बुधवार को जिला सहकारी फेडरेशन गोरखपुर के प्रबंध कमेटी के सभापति, उपसभापति और अन्य समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें सभी निर्वाचन पदों पर पदाधिकारी सर्वसम्मति से निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार चुने गए। सभापति के निर्वाचन पद पर भाजपा के गुब्बार ध्वज सिंह उर्फ महन सिंह, उपसभापति गौरी द्विवेदी, प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ अनंत मणि त्रिपाठी, मार्कंडे राय, प्रेमलता नरेंद्र, उदय प्रताप, बच्चा सिंह, प्रतिनिधि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर अनुपमा सिंह, विजया सिंह, कृष्णिक मुरारी, मुकेश कुमार और सूर्य प्रकाश निर्विरोध निर्वाचित उम्मीदवार चुने गए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए निर्वाचन अधिकारी एवं CRO बलराम सिंह और सभापति महंत सिंह ने कहा, सभापति एवं उपसभापति एवं अन्य समितियों में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव था। इसमें सभापति के लिए एक नाम निर्देशन पत्र दाखिल हुआ श्री गुलाबर ध्वज सिंह का, और वो निर्विरोध निर्वाचित घोषित हुए। उपसभापति के लिए 3 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे, उसमें से 2 नामांकन पत्र वापस ले लिए गए और 1 नामांकन पत्र वापस बचा था श्रीमती गौरी द्विवेदी जी, वो उपसभापति निर्वाचित घोषित की गई। इसी प्रकार से जो विभिन्न जगह पे डेलीगेट्स भेजे जाते हैं उसमें प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ PCF के लिए श्री अनंत मणि त्रिपाठी जी निर्वाचित हुए हैं। प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ FEDSET के लिए श्री मार्कंडे राय जी निर्वाचित हुए हैं। प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड लखनऊ PCU के लिए श्रीमती प्रेमलता जी निर्वाचित हुई हैं। प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश प्रक्रिया एवं तिलहन विकास संघ लिमिटेड के लिए श्री नरेंद्र जी निर्वाचित हुए हैं। प्रतिनिधि सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन CWC के लिए श्री उदय प्रताप सिंह जी निर्वाचित हुए हैं। प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संघ सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ UPSS के लिए श्री बच्चा सिंह जी निर्वाचित हुए हैं। प्रतिनिधि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर के लिए 5 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं।
उनके नाम क्रमशः हैं श्रीमती अनुपमा सिंह, श्रीमती विजया सिंह, श्री कृष्ण मुरारी, श्री मुकेश कुमार और श्री सूर्य प्रकाश जी। ये सभी लोग निर्वाचित हुए हैं आज के निर्वाचन में। धन्यवाद। जिला सहकारी फेडरेशन गोरखपुर के आज हम निर्विरोध सभापति चुने गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, मेरा निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। संस्था का हित कैसे होगा, संस्था का व्यवसाय कैसे बढ़ेगा, किसानों की समस्याओं को संस्था कैसे सॉल्व करेगी, इस सब चीज़ों पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया जाएगा और संस्था को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा।